अभी 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और आपके पास 45 मिनट्स। वही जा रही सबको। क्या हुआ यार, फास्ट हो रहा है ज़्यादा है क्या? जनसंख्या कम क्यों हो रही है? 7 लोग निकल लिए, फास्ट हो रहा है नहीं? मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो यार। ओके क्वेश्चन नंबर 101 बोलिए। सिंगल फेज एसी मोटर डिजाइन ऑपरेट्स अंडर ऑपरेट्स यूजली ऑन, हाँ ठीक है, 220 प्लस माइनस 10% वोल्टेज, ठीक है, और बाकी वो जो वोल्टेज वेरिएशन नॉर्मली होता है तो वो आपका प्लस माइनस लाइक ट्रांसमिशन वाला दैट इज 5%। इसका बताइए, असिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार हैज अ कांस्टेंट फुल लोड 100% एक्साइटेशन, ऑन चेंजिंग एट इट द एक्साइटेशन द आर्मेचर करंट विल हैव, देखो नो चेंज ऑफ पावर फैक्टर, ओके। अब देखो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ही कर्व
एंड इन्वर्टेड भी करो। देखो एक होता है भी कर्व, पहला क्वेश्चन ये होता है भी कर्व इज ड्रॉन बिटवीन, बोलो भी कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, बोलो आई ए वर्सेज आई एफ, दोनों ही गलत बता दिया, आई ए वर्सेज आई एफ, ठीक है। दूसरा और ये क्या है, येलो कलर पावर फैक्टर वर्सेज आई एफ, ठीक है पावर फैक्टर वर्सेज आई एफ। अब देखो जिसको कंफ्यूजन होती है एक बात बताओ, इतना पता है कि नहीं तुम्हें, लाइक दिस इज यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर एंड दिस इज ओवर एक्साइटेशन एंड दिस इज अंडर एक्साइटेशन, बोलो हाँ या ना, इतनी नॉर्मल सी बात तो पता है ना आपको, लाइक दिस इज यूनिटी पावर फैक्टर दिस इज ओवर एक्साइटेशन एंड दिस इज अंडर एक्साइटेशन, ठीक है। तो लाइक एक सिंपल सा देखो यार, इस यूनिटी पावर फैक्टर पे पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, पावर फैक्टर मतलब क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब व्हाट, पावर फैक्टर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम। तो अब बताओ मैक्सिमम किस में दिख रहा है, रेड में या येल्लो में, रेड में या येल्लो में मैक्सिमम वैल्यू किस में दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू किस में दिख रही है, येल्लो में। तो अगर आप इतना सा सोच लेते हो तो क्या आप ये कभी गलती करोगे, बोलो यार, अगर आप सिर्फ इतना सोच लेते हो तो क्या ये गलती आपसे कभी होने वाली है। तो देखो हर एक चीज़ के तरीके हैं, अगर आप उसको जस्ट ऑब्जर्वेशन कर लो, क्लियर हुआ सबको। देखो ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि लाइक आई ए आई एफ पावर फैक्टर आई एफ, इस एक्सिस ने अपनी जगह फिक्स कर रखी है, एक्स एक्सिस ने अपनी जगह फिक्स कर रखी है, क्यों, क्योंकि हम इसमें देखते हैं एक्साइटेशन अगर हम चेंज करते हैं तो, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर मैं एक्साइटेशन चेंज करता हूँ और मुझे आर्मेचर करंट का वेरिएशन देखना है तो बताओ कौन सा कर्व यूज करूँगा मैं, कौन सा कर्व यूज करूँगा मैं, भी कर्व या इन्वर्टेड भी कर्व, मुझे आर्मेचर करंट का वेरिएशन देखना है तो वी विल यूज भी कर्व, और अगर मुझे विद द हेल्प ऑफ बाय चेंजिंग फील्ड करंट हमें पावर फैक्टर का लाइक देखना है, ऑब्जर्व करना है पावर फैक्टर का वेरिएशन, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, इन्वर्टेड भी देखेंगे, डन। अब देखो अब इस चीज को आप याद कैसे करोगे, अगर मैं जनरेटर की बात करूं, अगर मैं यहां पे जनरेटर की बात करूं, पहले मैं जनरेटर की बात करता हूं फिर मैं मोटर की बात करता हूं, बहुत ध्यान समझ लो इससे काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ा रखा है ऑफलाइन अभी पढ़ाऊंगा मैं, देखो ये दोनों, और अच्छी बात क्या है कि मोटर हो चाहे जनरेटर, लेकिन यहां तक चीजें अभी तक सेम है, यहां तक चीजें अभी सेम है, ये किसके लिए, मतलब किसी के भी लिख लो, चलो मैं जनरेटर के लिए लिखता हूं और ये आपका मोटर के लिए, ठीक है डन ओके। अभी अब याद करो जरा, जनरेटर ओवर एक्साइटेशन कब होता है, जब लोड इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, ओवर एक्साइटेशन कब करना पड़ता है, जब इफेक्ट मैग्नेटाइजिंग हो या डीमैग्नेटाइजिंग हो, इफेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजिंग, ओवर एक्साइटेशन कब देना पड़ता है हमें, एक्स्ट्रा एक्साइटेशन कब देना पड़ता है, डीमैग्नेटाइजिंग, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कब आता है, इंडक्टिव लोड पे कैपेसिटिव लोड पे, इंडक्टिव लोड पे कैपेसिटिव लोड पे, इंडक्टिव लोड पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना दूं, लाइक ये वाला एरिया क्या हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर, बोलो हाँ या ना, यार ओवर एक्साइटेशन यहाँ पे है तो लाइक ये लैगिंग पावर फैक्टर ही हुआ ना, और इफेक्ट इज वॉट, डी मैग्नेटाइजिंग, क्लियर है क्या हमें, इफेक्ट इज डी मैग्नेटाइजिंग, और अगर इधर लैगिंग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इधर क्या होने वाला है, लीडिंग, एंड इफेक्ट इज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग, क्या इतनी बात हमें क्लियर है।
चीज़ें रिलेट करते जाओ, चीज़ें आसान होती जाएंगी। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? अब जस्ट इसका अपोजिट देखो, ओवर एक्साइटेशन पे इफेक्ट कैसा होता था? लीडिंग। ओवर एक्साइटेशन पे मोटर में इफेक्ट कैसा होता था? जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट टू द जनरेटर। ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग और अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग। ठीक है, वो बात अलग है कि लीडिंग पे अभी भी मैग्नेटाइजिंग और लैगिंग पे अभी भी डीमैग्नेटाइजिंग। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? बोलो यार, इतनी बात हमें क्लियर है? चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसने बोला कि 100% एक्साइटेशन एंड यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब अभी किसका देखना है? जनरेटर का देखना है, मोटर का देखना है? पहले ये बताओ कौन सा करें, जनरेटर या मोटर? कौन सा देखना हमने? मोटर का। ठीक है, अब मोटर पे बोला कि 100% एक्साइटेशन यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा था, मतलब यहाँ पे अभी आप खड़े हो। अगर आपने एक्साइटेशन बढ़ाया तो पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग या लैगिंग? अगर आपने एक्साइटेशन इंक्रीज किया, ओवर एक्साइटेशन किया, तो पावर फैक्टर कैसा है? लीडिंग। और अगर आपने पावर फैक्टर मतलब एक्साइटेशन डिक्रीज किया तो पावर फैक्टर कैसा होने वाला है? लैगिंग। बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ इधर, देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लीडिंग पावर फैक्टर विथ ओवर एक्साइटेशन। क्लियर हुआ क्या? इसमें काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, काफी क्वेश्चन देखो ना, यही पूछ लेता लीडिंग पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेशन, लैगिंग पावर फैक्टर कब अंडर एक्साइटेशन पे। अगर जनरेटर की केस की बात करें तो ओवर एक्साइटेशन केस, अगर आप ओवर एक्साइटेशन करोगे मतलब वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करा रहे हो, अगर आप अंडर एक्साइटेशन पे काम करा रहे हो मतलब आप लीडिंग पे काम करा रहे हो। ठीक है, आंसर इज बी। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 103, सेमीकंडक्टर डायोड टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, टाइम कांस्टेंट वही लाइक कि जितना उसका कैरियर का लाइफ टाइम होता है ना उतना ही होता है, तो लाइक कि आपका द वैल्यू ऑफ मेजोरिटी कैरियर लाइफ टाइम, क्योंकि डिसाइड मेजोरिटी करता है, डिसाइड मेजोरिटी करता है, माइनॉरिटी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जल्दी बोलो, एन एस सी आर इज, एस सी आर क्या है? PN, J1, J2, J3 और ये आपका गेट, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड और ये आपका गेट। अब बता दो कितने लेयर? 4 लेयर। कितने जंक्शन? 3 जंक्शन। व्हाट इज द आंसर? सी। डन। An ideal diode should have जल्दी बोलो 0 रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकली कितना होता है, प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस कितना होता है? 10^6 के आसपास, प्रैक्टिकली लाइक ये इसी के आसपास होता है मेगा ओम में। आ रही बात समझ में? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और मटेरियल अपोजेस करंट। इंसुलेटर शुड हैव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बोलो
कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ओके जल्दी बोलो, मजाक उड़ाया जा रहा है आप लोगों का। ऐसे क्वेश्चन, खैर फिर भी बताओ क्या होगा। बी, क्योंकि बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू बी बाई आर, ठीक है। डन, क्वेश्चन नंबर 109। जल्दी जल्दी बताते जाओ यार ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब लाइक कि इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट, ठीक है। अमीटर, ए पावर के लिए, ठीक है। अच्छा ए एक किसके लिए, वाट मीटर किसके लिए, पावर और वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए। ए ओम मीटर बताओगे, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर किसके लिए, रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, स्मॉल मीडियम या हाई रेजिस्टेंस, कौन सा, मीडियम। चलो इसका क्वेश्चन बताओ, इफ अ पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड एंड अ करंट इज, बोलो वन वन गैप कहाँ बनेगा सर, ये नहीं समझ आ रहा। नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल वही डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। ये सब करके आएंगे ना ये, तो मतलब वो तो मतलब ऐसे चाहे आईटीआई वाला हो, चाहे बीटेक कर चुका हो, चाहे डिप्लोमा कर चुका हो, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। मतलब हाँ जो डाउटफुल वाले हैं उसमें आप कुछ कर सकते हो एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं यार, ऐसा भी मत सोचोगे लेकिन छोड़ो यार ऐसे ही आने तो क्या पढ़ के फ़ायदा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आएंगे ना बीच बीच में कुछ, वो गैप क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये गैप क्रिएट करेगा, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात, लोगों की एक्यूरेसी देखना, क्वेश्चन आसान होता है ना तो रिस्क ज़्यादा होता है गलत होने का। मैं डेली टेस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तो मेरा पर्पज ही वही है कि जो तुम छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो ना वो एग्ज़ाम टाइम में ना करो, क्योंकि तो अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम जाके दोगे ना तो पक्का गलती होगी, कम से कम 8 से 10 या 15 क्वेश्चन तुम गलत करके आने वाले हो जो तुम्हें आ रहा होगा। बट वो प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जो मैं जिस पर्पज से दे रहा हूँ ना आप लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ईमानदारी से बताओ कितने लोग एनालिसिस कर रहे हो टेस्ट देने के बाद, ईमानदारी से कर रहे हो तो बताना भी है, कर रहे हो तो बताना भी है। तुम तो रहने दो, और कोई, चलो एक, चलो ठीक है चलो एक। देखो प्लीज़ यार करो जरूर ना, मतलब कि एनालिसिस अगर नहीं कर रहे हो ना कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। मतलब आप देखो तो सही आपने छोटी गलती कौन सी करी। चलो मैं नहीं बोला कि आप 2-3 घंटे लगाओ, मैं बोला हूँ आधे घंटे लगा के अपनी गलती का एहसास तो कर लो। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अपनी गलती का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, याद रखना इस बात को। अगर आप अपनी गलतियों से भागते हो ना यार, टेस्ट में कम है कौन दोबारा देखेगा, एक्चुअली आप वास्तविकता से भाग रहे हो, और अगर आप सच्चाई से भाग रहे हो ना तो सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सच्चाई से भाग रहे हो तो आप उस पर काम नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है काम नहीं करोगे ना। अगर काम करना होता तो आप तो उसे देख ही रहे होते, जैसे नो अगर आपको इस बात पे काम करना होता कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है तो आप पक्का एनालिसिस कर रहे होते,
देख रहे होते, अपनी गलतियों को ढूंढ रहे होते, और अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो मतलब आप उस सच्चाई से भाग रहे हो जो कि एक्चुअली आपके सामने आने वाला है, जो कि फ्यूचर में आने वाला है, कि लाइक आप भी पेपर दोगे वहाँ पे भी फिर आपको अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए लाइक कि जब भी पेपर हो एक घंटे लगा करके एनालिसिस कर लिया करो कि लाइक छोटी छोटी गलती हुई कहाँ, ये मार्क्स ये कम आए क्यों, औरों के आए तो मेरे क्यों नहीं आए, या फिर लाइक कि जो जिसके जो टॉप आए हैं लाइक एक बार आप फिर से शांत दिमाग से देखो कि लाइक जो जो क्वेश्चन गलत हुए वो सही हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। अगर सही हो सकते थे तो लाइक उस गलती को मार करो कि आपने क्या गलती करी, और उसको हाईलाइट करके कॉपी में बनाओ रखो, और हर हफ्ते उसे देखो लाइक ये गलती आपने करी थी, तभी गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे और यही गैप क्रिएट करेगा, आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, समझ रहे हो। बाकी आपकी मर्जी है। खैर तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइए, हीट ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 112, इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन होम्स इज मेजर बाय, जल्दी देखते ही आंसर बताओ बस, इलेक्ट्रिक कंजप्शन दैट इज एनर्जी मीटर, ओके। देन इसका बताओ, फाइव बल्ब्स, अभी थोड़ा सा स्पीड पे काम करते हैं ना, अभी कॉन्सेप्ट पे, लाइक ये मुझे कंप्लीट करना है तो स्पीड पे काम करते हैं, जल्दी से आंसर दो आगे बढ़ते हैं। फाइव बल्ब्स ऑफ 100 वॉट लाइट अप फॉर 14 आवर्स, एनर्जी कंजप्शन विल बी, बोलो जल्दी, 5 × 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 40 लाइक की कैंसिल दैट इज 20 यूनिट्स, आंसर इज बी, ठीक है। थ्योरी के बारे में पहले वीडियो में मतलब पहले ही लेक्चर में बात हो रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, कनेक्शन ऑफ लोड इज इन हाउस इज सी, ठीक है। बैटरी गिव्स अस क्या करता है, कौन सी सप्लाई देता है, डीसी सप्लाई, सिंपल सा डीसी सप्लाई। अच्छा यहाँ पे एक बात और कि अगर डीसी सप्लाई है तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस सप्लाई भी है ना, यस या नो, अगर डीसी सप्लाई है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस सप्लाई भी है, अगर मतलब वो बात अलग है कि लाइक हाँ आप स्विच को ऑफ कर दो तो बात की बात है, मतलब वैसे बता रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी जो मन में आती है, बट हाँ ठीक है ऑब्वियस बात है डीसी सप्लाई दे रहा है। 116, दो लाइफ फेज के बीच में डिस्टेंस मतलब डिफरेंस, तो वही लाइन टू लाइन पूछना चाह रहे हैं, लाइन टू लाइन दैट इज सी, ओके। 117 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया 50 साइकिल्स, और अगर यही लाइक कि कई फॉरेन कंट्रीज में बात करें तो कितना है, कई फॉरेन कंट्रीज में बात करें लाइक यूएसए में कितना है, 60, यूएसए में 60। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर, बोलो क्या सोच के बुला देते हैं यार, इसमें भी ए, वाह क्यों एवरेज से दुश्मनी है, लाइक यहां पे इनको बोलना चाहिए था कि भाई किसकी बात कर रहे हो आप, पीएमएमसी की बात कर रहे हो, मूविंग आयरन की बात कर रहे हो, ईएमएमसी की बात कर रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली इनको बोलना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, हम ही क्वेश्चन अपने हिसाब से फ्रेम कर लेते हैं। चलो बताओ अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पीएमएमसी, द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर, देन व्हाट इज द आंसर, देन आंसर इज सी, ठीक है, देन आंसर इज सी। अगर मैं आपसे पूछूं मूविंग आयरन मेजर, देन व्हाट इज द आंसर, देन आंसर इज ए, देन आंसर इज ए, ठीक है। और
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ई एम एम सी, देन अगेन व्हाट इज आंसर? ए। अब देखो दो चीजें आप इसके लिए दो चीजें याद रखना यार, दो चीजें याद रखना कि एक आपका पी एम एम सी है जो कि क्या मेजर करता है, डी सी या फिर एवरेज वैल्यू, और एक आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेसिकली क्या हो, क्या मेजर करता है, एसी ओनली, दैट इज एसी ओनली, ठीक है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपसे पूछे जाएं, आप सिंपली बोल देना कि क्या मेजर करता है, लाइक एसी एंड डीसी बोथ, और एसी एंड डीसी बोथ तभी मेजर कर सकता है जब वो क्या मेजर कर रहा होगा, आरएमएस। आई बात समझ में? तो मतलब अगर कल कोई आपसे कोई पूछे कि हॉट वायर क्या मेजर करता है, व्हाट इज द आंसर? हॉट वायर एसी मेजर करता है, डीसी मेजर करता है, तो आंसर इज बोथ, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, जैसा कि हम मैक्सिमम केसेज में आरएमएस देखना देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएमएस। बट वो तभी होगा जब यहाँ पे या तो क्या बोल दें, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डन। चलो 119, न्यूट्रल पॉइंट कैन बी पॉसिबल इन स्टार कनेक्शन, द कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन, बोलते जाओ, द कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन, क्या होगा आंसर, वेरी गुड, एम्पियर आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकन, जर्मेनियम, विच वन इज कंडक्टर, विच वन विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, आंसर इज ग्रेफाइट, बाकी सारे सेमी कंडक्टर हैं, ग्रेफाइट में एक लाइक की थ्री बॉन्ड ही बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो इट विल बिहेव लाइक अ बेसिकली, ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, क्या होगा, सिल्वर, ऑर्डर बता दो, सिल्वर के बाद कौन आता है, सिल्वर के बाद कौन आता है, जल्दी बोलो, कॉपर, और कॉपर के बाद कौन आता है, कॉपर के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम। वो बात अलग है कि हम थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो जब सिल्वर की इतनी अच्छी है तो लाइक क्यों नहीं यूज करते, कॉपर को क्यों यूज करते हैं, बस वही पैसे, ठीक है, आंसर सिल्वर। एन इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है, जल्दी बोलो, डीसी टू एसी, और एसी टू डीसी कौन करता है, एसी टू डीसी कौन करता है, रेक्टिफायर, और एसी टू एसी कौन करता है, एसी टू एसी, एनीवन, एसी टू एसी मतलब फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल एसी कौन करता है, हाँ, या तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर या फिर साइक्लो कन्वर्टर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, एक एक फिक्स वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज में बदलता है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो, नहीं मतलब फ्रीक्वेंसी, देखो एसी में दो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, वेरिएबल और सॉरी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, तो अगर वेरिएबल वोल्टेज चाहिए तो आपें क्या यूज करेंगे, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, और अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होता तो अपन क्या प्रीफर करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। खैर डीसी टू डीसी का काम कौन करता है, तो आंसर इज चॉपर। 124, व्हेन देयर इज एन ओपन सर्किट द रेजिस्टर विल बी, रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, जीरो कब होगा, जब किसकी क्या होगा, जीरो कब होगा, जब क्या होगा,
शॉर्ट सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव डिवाइस, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, मेन स्विच। क्या होगा? फ्यूज। द डेंजर 440 बोल्ट प्लेट शूज, क्या करता है ये, क्या दिखाता है ये डेंजर 440 बोल्ट प्लेट शूज? सावधानी, कॉशन, चेतावनी, सूचना देता है ये, ठीक है। वो जो इलेवन के बी की ऊंचे, वो एक कंकाल बन के ऐसे हड्डी वड्डी रहता है ना, दैट इज डेंजर नोटिस ना, ठीक है। 127 अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, बोलो क्या होता है, जीरो लेते हैं, ठीक है, अपना कंसीडर करते हैं। द अर्थ वायर शुड नॉट बी थिनर देन, क्या होगा इसका आंसर? देखो वैसे तो आंसर पता है क्या होना चाहिए, 14SWG, वैसे नॉर्मली, ठीक है, बट इन्होंने आंसर में दिया हुआ है डी, तो एक अपन कमेंट नहीं कर सकते कुछ, बट हाँ नॉर्मली जो होता है ना, एक्चुअली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लाइक कि आप किस रेंज की बात कर रहे हो। जैसे अगर 60 एम्पियर की बात करें, 60 एम्पियर की बात करें, तो नॉर्मली जो कॉपर का होता है ना, कॉपर का, तो वो नॉर्मली अपन लेते हैं 10SWG, ठीक है ना, कॉपर का 10SWG, ठीक है। और अगर एल्युमिनियम की बात मतलब ऐसे सॉरी, और अगर 200 एम्पियर से ज़्यादा होता है, उस समय जो कॉपर का लेते हैं, दैट इज 6SWG। तो अब वही बात है कि लाइक करंट रेटिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है, करंट रेटिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन, जल्दी बोलो, अर्थ वायर का रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन ऑलवेज 1 ohm, ठीक है, 1 ohm से कम होना चाहिए, ये भी याद रखना। तो इस हिसाब से चलो ठीक है, मतलब एक तरीके से इस करंट में बात करें तो आंसर इज डी, ठीक है, कोई डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पावर लॉस, देखो पावर लॉस, एक्चुअली पावर लॉस यहाँ पे क्या मतलब है, एक्टिव पावर लॉस, और एक्टिव पावर लॉस कौन कौन कराता है, एक तो रेजिस्टेंस ही करा रहा होता है, एक्चुअली जो कंडक्टेंस होता है पता है कौन कराता है, ये क्या कराता है, डायलैक्ट्रिक लॉस, ये क्या करा रहा होता है, डायलैक्ट्रिक लॉस। वो बात अलग है कि डायलैक्ट्रिक लॉस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्टिव लॉस, बट लाइक कंडक्टेंस, डायलैक्ट्रिक लॉस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या पावर लॉस कराते हैं, क्या ये पावर लॉस कराते हैं? नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर पावर लॉस नहीं कराते, बट हाँ ये सारे पैरामीटर्स को लाइक वोल्टेज वेरिएशन, वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा कर देंगे, समझ रहे हो, मतलब ये शेप को चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं पावर सिस्टम में, आप डिटेल में देखोगे। 131 जल्दी बोलो, द इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर रेजिडेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड 3-phase 4-wire सिस्टम, ओके, फ्यूज इज इंसर्टेड इन, कहाँ पे, फेज वायर के बीच में, ठीक है, फेज वायर के बीच में। HRC फ्यूज प्रोवाइडेड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बोलो किसके अगेंस्ट करते हैं ये HRC फ्यूज, तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ओके। नेक्स्ट, हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयरन्स आर मेड ऑफ, इसका होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। द मेन पर्पज ऑफ कैपेसिटर इज टू ब्लॉक करंट, करंट ब्लॉक करना होता है क्या, नहीं, क्या है, स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बाई मेटालिक रिले इज यूज फॉर, 136 बोलो, बस खत्म ही हो जाएगा, इसके लिए
ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एडिशनल लॉसेज आर एक्सप्रेस्ड इन, जितने भी लॉसेज होते हैं सारे याद रखना किस में होते हैं, सारे वॉट में होते हैं, सारे वॉट में जितने भी लॉसेज होते हैं, चाहे हिस्टेरेसिस हो, चाहे एडी हो, चाहे कॉपर लॉस हो, ठीक है। इवन डायलेक्ट्रिक लॉस का भी यूनिट क्या होगा, वॉट ही होगा। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी इज गिवन इन, बोलो किसमें दिया होता है, ये बात हमने कल उस दिन करी भी थी, लाइक कि केवीए में। ट्रांसफार्मर चेंजेस एनर्जी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पावर, दैट इज, देखो यार मतलब मैं बता रहा हूँ पर्सन कि पेपर जब आप देना ना, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें आप दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, लाइक जल्दीबाजी मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े से आपको ट्रिकी लगे उनको तीन बार पढ़ना, क्योंकि देखो आपको टाइम की कमी तो नहीं होने वाली है, यस या नो, टाइम की कमी होगी क्या यार, फर्जी से क्वेश्चन है कहाँ, मतलब तुम अगर तुम्हें यहाँ पे टाइम कम लग रहा है फिर तुम जेई में कैसे सर्वाइव करोगे, जेई के क्वेश्चन तो और लेवल के होंगे ना भाई साहब। अगर तुम्हें एसएससी टफ लग रहा है तो जेई में तो और क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, मुझे बस ये बता दो। जेई का तो इससे ज़्यादा होगा ना क्वेश्चन का लेवल, लाइक अगर आप यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो जेई तो आपके लिए फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार, उसको कंपेयर करो, तुम्हारा मेन टारगेट तो जेई है, तो लाइक उसके कंपैरिजन में तो ये रिलेटिवली क्या है, आसानी होगा ना यार। दो घंटे में 200 क्वेश्चन वहाँ भी करने हैं, दो घंटे में 200 क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं, अब प्रैक्टिकली सोचो दो घंटे में वहाँ भी करने हैं, दो घंटे में यहाँ भी करने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें टाइम बचना ही चाहिए मतलब समझ रहे हो ना, तो बच जाए तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे कि बस कॉपी पेन सब बंद करके बस ऐसे मस्त बैठ गए, आसपास के लोगों को डिमोटिवेट कर रहे, एक काम मत करना, ढंग से दो बार तीन बार पेपर एनालिसिस करना, लाइक कहीं गलती तो नहीं हुई है, लास्ट मोमेंट तक आपको लाइक कि अगर एक गलती भी करेक्ट कर लोगे ना तो क्वेश्चन लाइक कि एक दो मार्क्स बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसे समझ लो ना, ये टेंडेंसी रखा करो, ये नहीं कि मतलब अरे मैंने तो कर लिया ये देखो फालतू लोग लगे हुए हैं अभी तक, ये वाली थिंकिंग नहीं, लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल करना। 139 डन, 140 बोलो। ट्रांसफार्मर हैज इफिशियंसी 95% एंड अबव, अगर यही पूछा होता कि लोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देन व्हाट इज द आंसर, लोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देन व्हाट इज द आंसर, बी नहीं ए बोल दो ना, आप ए बोल दो, बी मत, क्योंकि लाइक 70 से तो कम ही होता है ना, ठीक है। और अगर ऐसा बोल दूं कि लोडिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर देन व्हाट इज द आंसर, अगर इनकी बात करें तो डी ना, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी या डीसी, इसका बोलो, फैराडेज वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेमिनेशन आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसफार्मर कोर टू मिनिमाइज, क्या होगा, एडी करंट लॉस। द रिले यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज, द रिले यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज, क्या होता है, बकल्स रिले, ठीक है। वैसे देखा जाए ये डिफरेंशियल रिले भी यूज करते हैं, याद रखना, बट वो एक्सटर्नली यूज करते हैं। अगर इंटरनल की बात करें, लाइक अंदर उसके बात करें, तब आंसर इज बकल्स रिले, ठीक है। यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज डन एज, क्यों करते हैं यूज, जल्दी बोलो, वेरिएबल ट्रांसफार्मर, वेरिएबल, ठीक है, यही गलती है नरेश, यही इसी की बात कर रहा हूँ कि लेकिन जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। 146 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर एमएमएफ पूछा होता तो
मैग्नेटो मोटिव फोर्स पूछा होता तो एम्पियर टर्न, वेरी गुड, क्या होता एम्पियर टर्न। द यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉस इन इलेक्ट्रिक मशीन किसमें करेंगे, किसी भी टाइप का लॉस हो वाट में करेंगे रिप्रेजेंट। 2.5 माइक्रोफेरेड रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटेंस। ऑल द डिवाइसेज विच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड, ऑब्वियसली लोड, ठीक है। वी आई आर इज बेस्ड ऑन, सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे लास्ट। अंत भला तो सब लाइक ये एक्चुअली इधर कुछ बहुत ज्यादा सिखाने को था नहीं ना, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ा सा किया, बट ये आपका पेपर भी टेक्निकल वाला पोर्शन खत्म हो चुका है इस पेपर में। 150 टेक्निकल थे ना, क्लियर है। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं फिर मंडे को। गुड नाइट एवरीवन। वेलकम, गुड नाइट।